दोस्तों, मैं पंचगव्य चिकित्सा के अंदर हूँ और यहाँ पे एक चीज देखी कि गौ माता को यहाँ पे कितना ज्यादा सीरियसली दिया जा रहा है। और हमारे भारत के अन्य जगहों से, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में गाय को उतनी तरीके से नहीं लिया जाता, और इसका कल्चर भी अलग है। गाँव में लिया जाता है, जैसे कि उत्तरी भारत में और पूर्वी भारत में जो गाय होती है उसको हम छोड़ देते हैं जंगल के अंदर ताकि वो खाए और आ जाए, और उससे बहुत दूध मिलता है। और इंडिया के अंदर इतना कल्चर है कि हर चीज के अंदर कल्चर आ रहा है, और उसकी जो मेन चीज है वो है गौ माता। तो अगर हमें अपनी संस्कृति बढ़ानी है और अगर हमें अपने आप को धार्मिक करना है तो हमें पहले अपनी गौ माता की सेवा करनी होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमें चार वेदों को बढ़ाना है तो हमें गुरुकुल बनाने पड़ेंगे, ऋषिकुल बनाने पड़ेंगे, पर इससे एक और चीज जरूरी है, वो है गौ माता। अगर हमारी गौ माता आगे बढ़ेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता होते हैं। उसके अंदर 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। तो इन 33 कोटि देवताओं में इतनी सारी शक्ति होती है कि हमारे सब, मतलब कि मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतनी चीज होती है। और इन 12 आदित्य के अंदर इतने सारे लोग होते हैं कि मैं उनका नाम नहीं बोल पाता, इतने लोग होते हैं। मैंने पढ़े हैं, मेरी डायरी में भी लिखे हैं। और हम लोगों को ऐसा शुरू से पढ़ाया जाता है कि गौ माता से हमें दूध मिलता है, और आज कल के लोग ये होते हैं कि गौ माता का गोबर बेच दो, गौ माता का मूत्र बेच दो, गौ माता का दूध बेच दो, गौ माता का जो बछड़ा उसको बेच दो। अगर हम गौ माता की हर चीज बेच देंगे तो क्या मिलेगा? हमें पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका फायदा मिलेगा। जैसे कि जो गौ माता का जो गोबर होता है उससे हम जो वो बनाते हैं, वो कहते हैं होती है ना धूप बत्ती, तो जो वो धूप बत्ती होती है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि जैसे कि आपने अपने अपने पा अपने पिताजी से, माता जी से सुना होगा कि हम लोग जो होते हैं, हमारे हिंदुइज्म के अंदर जब भी हमारे जो परदादाओं की जो मतलब कि हम खुशबू सूंघ के अपना पेट भरते हैं, तो इसी चीज के लिए गौ माता की इतनी सारी चीजें जो हमें पूरे परिवार और पूरे देश को सुख में कर सकती है। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमें गौ माता की रक्षा करनी है और गौ माता की सेवा करनी है, उस चीज के लिए आप भी हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना होता। और मैं आपको एक चीज बताऊं जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे कि हमें कोरोना ने बताया कि ज्यादातर चीजें छूने नहीं होती क्योंकि उससे बैक्टीरिया आता है हाथों में, और हमेशा किसी चीज को ऐसे नहीं होता कि छूने लग जाओ। भगवान ने ऐसी चीजें बनाई है जिनको छूने से बैक्टीरिया मरते हैं, उनमें से एक है हमारी गौ माता। और जो हमारी गौ माता है उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे, जैसे अगर मैंने किसी गौ माता को ऐसे करा तो गौ माता के अंदर जितनी भी विटामिन है, मतलब कि जितनी भी चीजें, वो मेरे बैक्टीरिया के हाथ के बैक्टीरिया को मार देगी। तो गौ माता का मूत्र से नहाना बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, उसके गौ माता का जो मूत्र होता है उससे हमारा कैंसर भी खत्म हो जाता है। कैंसर और ये मतलब कि ज्यादा जितनी बड़ी बीमारियां है वो सब गौ माता के मूत्र से खत्म हो सकती है। और जैसे कि हम सब लोगों को बताया जाता है कि कहते हैं बफेलो को दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि बफेलो के दूध में इतनी ज्यादा विटामिन, इतनी सारी चीज होती है कि इंसान पचा नहीं पाता, पर गौ माता के दूध को इंसान पचा लेता है। इस चीज के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप गौ माता की रक्षा करिए, गौ माता की हर चीज का सेवन करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप 1 महीने करके देख लीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज करिए तो कर फायदा निकल जाए। 1 महीने करके देखिए और गौ माता की हर चीज को आप मानिए। हमें ऋषि कुलियों के हमारे जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास इतने सारे फायदेमंद चीज होते हैं, वो ज्यादातर गौ माता से होते थे, इसलिए हमारे हमारे कहते हैं जैसे। और देखिए ऐसा होता है ना कि ये तो फायदे फायदे की याद हो गई, पर इस चीज को हमारे भगवान जी मानते हैं। जैसे कि कहते हैं शिव जी जिसपे बैठते हैं वो है गाय, और ज्यादातर नंदी, सॉरी नंदी, तो जो शिव जी जिसपे बैठते हैं वो है नंदी। तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें दोस्तों आपको बता ही सकते, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गौ जो जो मैंने चीज बताई आप उन सब चीजों को करिए। और मैंने आपको गौ माता घर में इतनी सारी चीजें बताई, और आप गौ माता के ऊपर सर्च करेंगे ना आपको इतनी सारी चीजें बता चलेंगी, इतनी सारी चीजें बता चलेंगी जो आपको पता भी चलेंगे।
जैसे कि मैं मतलब कि तो मैंने थोड़ा गीता पढ़ी है। गीता का एक श्लोक है, उस वो है ऊर्ध्व मूलम मदस्य का अश्वत्थम प्रावरभ्यम छन्दांसि प्रणानि अस्तम वेद। तो इस श्लोक का मतलब है कि ये पूरी जो संसार है एक वृक्ष है, उसके ऊपर भगवान है, उसके नीचे हम लोग हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर भगवान है, नीचे है। जो वेदों को पढ़ लेगा उसको ऊपर का नीचे का ज्ञान हो जाएगा। तो वेदों के अंदर भी ज्यादातर गौ माता की चीजें पता है। धन्यवाद, नमस्कार।